हर हर महादेव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नव ज्ञान ज्योतिष में। और मैं हूँ आपके साथ रश्मि मेनन। पंडित जी, ऐसा होता है, वैसे समय का अभाव है लेकिन मैं चाहूंगी आप संक्षेप में बताएं, अक्सर लोग जब किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो ये कहते हैं कि इस पेड़ से शादी कर लो या ऐसे पूजा कर लो, ये दोष समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 27 साल की उम्र के बाद ये दोष ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा होता है? पहली चीज, पेड़ से शादी करना, टेबल से शादी करना, इस चीज के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मंगल दोष यदि आपकी कुंडली में है तो जब जब मंगल की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, चाहे वो छोटे समय के लिए ही आए, आपको परेशान करेगी। आप समय समय पे अपनी कुंडली किसी को भी दिखाते रहें, यह आपकी सोच पे निर्भर करता है। जब जब मंगल की दशा आए और मंगल अगर अकारक है, वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो 2-3 उपाय आपको इमीडिएट करने होंगे। पहली चीज, लाल सिंदूर का आप प्रत्येक मंगलवार को जा करके हनुमान जी के मंदिर में दान करें। चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान जी के मंदिर में जला सकते हैं, या आप लड्डू ले लें, बूंदी के लड्डू, जो भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। आप प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ा के वो प्रसाद खुद नहीं खाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये नहीं कि लड्डू भी आपने चढ़ाए और खुद ही खा डाले, या अपने ही घर लेके आ गए और खा लिए। आप उस प्रसाद को छोटे छोटे जो बच्चे मंदिर के बाहर हैं या मंदिर में हैं, उनको आप बांट दें। तुरंत मंगल का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। अगर आप स्त्री हैं तो आप तो जा नहीं पाएंगी रोज़ प्रसाद चढ़ाने, अगर किसी कारणवश नहीं जा पाती हैं तो मंगल चंडिका स्त्रोत 5-7 लाइनों का आता है, ये आप अगर बुक अवेलेबल है तो ठीक है, अन्यथा आप डाउनलोड भी कर सकती हैं गूगल से। 5-7 लाइन का स्त्रोत है, इसको आप पढ़ना शुरू करें रोज। मंगल जन्य जितनी भी पीड़ा है निश्चित रूप से तुरंत कम होना शुरू हो जाएंगी। बस ये ध्यान रखना है कि मंगलवार मंगलवार आप ब्रह्मचर्य पालन करें, निश्चित ही आपको रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल पंडित जी, आपने सही कहा कि श्रद्धा भावना से कुछ भी करते हैं तो अवश्य ही उसमें लाभ प्राप्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपने हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन अपना कीमती समय देने के लिए और यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा, हर हर महादेव।